जी दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आपका अपने चैनल मिरर ऑफ स्टार्स 2020 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 12 का सेकेंड यानी कि 12.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप के और कॉलम कॉपी के साथ लेकर ही बैठकर देखिएगा। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है ऋतु से संबंधित क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, इसमें पढ़ना है त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। त्रिज्या खंड और वृत्त खंड, तो देखिए इसमें त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वृत्त खंड के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये आपका वृत्त हो गया और इस वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं से बने बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो दोस्तों ये भी त्रिज्या खंड ही है और ये भी क्या है, त्रिज्या खंड ही है। लेकिन दोस्तों इसमें अंतर क्या होता है कि इस त्रिज्या खंड को यहां पर थीटा डिग्री का कोण बना हुआ है, तो यहां पर जो दोस्तों बनेगा ये 360 माइनस थीटा का बन जाएगा, मतलब ये वाला। तो इसलिए हम बोलेंगे इसको लघु त्रिज्या खंड और इसको बोलेंगे दोस्तों दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दोस्तों देखिए, पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई यानी दोस्तों यहां से लेकर यहां तक जो ये त्रिज्या खंड है, चाप की लंबाई बोल रहे हैं। तो चाप की लंबाई बराबर देखिए दोस्तों, सूत्र क्या होता है कि यदि 360 डिग्री को यदि जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु से अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगा, चारों तरफ से भ्रमण करके यहां पर आएगा तो 360 डिग्री कोण बनता है। तो 360 डिग्री कोण बनाएगा तो उसमें आपका 2πr ये परिधि होता है। तो जब 360 डिग्री दोस्तों बनाएगा तो 2πr होगा, तो एक डिग्री पर कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2πr और बटे में 360। यहां तक क्लियर है? तो इसलिए दोस्तों कितना का बन रहा है त्रिज्या खंड आपका, तो थीटा का बन रहा है। तो इसलिए थीटा डिग्री बराबर क्या होगा, तो थीटा यहां पर गुणा कर देंगे तो लिखेंगे हम कि 2πr बटा 360 और गुणा में थीटा, यानी कि दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360 2πr। अब देखिए, अब हम चलते हैं वृत्त खंड में। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा ये वृत्त खंड है, सॉरी इसका देखिए, ये तो हमारा त्रिज्या खंड का ये आपका चाप की लंबाई हो गया। अब देखिए, अब हम सेकेंड में लेकर चलेंगे कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, जैसे दोस्तों हम यहां पर पढ़ रहे थे कि क्षेत्रफल में यानी कि ये वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। तो जब 360 डिग्री का पूरा भ्रमण करेगा तो πr² बनेगा।
तो इसलिए जब एक डिग्री का बनेगा तो कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर और बाटा में हो जाएगा आपका 307। तो इसलिए ये भी होगा आपका थीटा डिग्री का। तो थीटा पर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुणा में हो जाएगा थीटा। यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अंतर यही है कि यहाँ पर तो थीटा 360 यहाँ भी है और थीटा 360 यहाँ भी है। तो इसका चाप की लंबाई मतलब ये पूरा की लंबाई पूछेगा तो 2πr, और यदि इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लोगों को भी ये अच्छा से याद हो गया होगा अब तक कि अगर चाप की लंबाई बोलेगा, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बोलेगा तो थीटा बटा 360 2πr होगा, और यदि यहां पर आपका त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बोल दिया तो वहां पर हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी तरह देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड में क्या है दोस्तों कि वृत्तखंड का भी सेम टू सेम यही कंडीशन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है दोस्तों कि देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा चाप हो गया वृत्त हो गया, तो वृत्त के जीवा से मान लो कि यहां देखिए दोस्तों यहां पर कुछ दूसरा ही भाग बन रहा है और यहां पर कुछ दूसरा ही भाग बन रहा है, और यही हमारा मेन सेंटर हो जाएगा। पिक्चर अच्छे से बना रहे हैं, पिक्चर अच्छा से बनेगा तो अभी समझ में अच्छे से आएगा। दोस्तों ये तो सेंटर हो गया, और मान लीजिए एक चाप के द्वारा इसको अलग कर दिया, दो भागों में दो पार्ट में बांट दिया गया। तो देखिए दोस्तों ये तो लघु वृत्त खंड हो गया और ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। तो देखिए इसका नाम हो गया दीर्घ वृत्त खंड और ये होगा आपका लघु वृत्त खंड जी। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर इस वृत्त खंड को वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या क्या करती है कि जब बन जाती है तो देखिए इसको तो हम बोलते हैं पूरा को बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं, इस पूरा भाग को देखिए क्या बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको लघु त्रिज्या खंड ही बोलेंगे। और यहां पर देखिए थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो दोस्तों देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि वृत्त खंड के क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों बोल रहे हैं कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि पहले इस त्रिज्या खंड को क्षेत्रफल मतलब ये पूरा को क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरा को क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी कि त्रिज्या खंड यहाँ पर नाम दे रहे हैं ओ ए बी और सी। तो त्रिज्या खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ओ ए बी सी के क्षेत्रफल, और देखिए दोस्तों माइनस में हो जाएगा कि ये आपका जैसे मान लीजिए आपका त्रिज्या हो गया। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, तो दोस्तों यही हो गया आपका वृत्त खंड के क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अब हम इसमें क्या लेकर चलेंगे कि देखिए दोस्तों यहां पर आपका दो मेथड बनता है, कौन कौन सा बनता है देखिए हम यहां से दिखा रहे हैं आपको कि एक तो बनता है जैसे मान लीजिए कि थीटा का मान आपका 60 डिग्री होगा। तो दोस्तों जब थीटा का मान आपका 60 डिग्री हो जाएगा तो आपका जो त्रिभुज बनेगा तो ऐसे त्रिभुज बनेगा, मतलब इसका भी मान 60 होगा, इसका भी मान 60 होगा और इसका भी मान 60 होगा। इसका मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो जब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल।
तो देखिए दोस्तों कैसे हम लिखेंगे कि पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस, देखिए अगर यदि हमारा ये केस रहा 60 डिग्री वाला तो तब तो हम समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो 3/4 और गुणा में होता है आपका भुजा का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहा। उसके बाद देखिए सेकेंड केस में क्या होगा, इस सेकेंड केस में जैसे मान लीजिए आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। तो देखिए दोस्तों जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि अब आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, तो अब इसमें हम केस में क्या करेंगे, तो देखिए इस केस में क्या करेंगे कि ये तो सेम का सेम रहेगा ही। तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका मतलब कि आपका त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। तो दोस्तों तो होता है 1/2 में आधार और गुणा में क्या होता है ऊंचाई होता है। तो दोस्तों देखिए इसको हम आधार मान लेंगे और इसको हम ऊंचाई मान लेंगे, मतलब एक त्रिज्या को आधार मान लेंगे और एक त्रिज्या को ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई। और देखिए आपका केस नंबर अब 3 कैसे बनेगा, तो दोस्तों केस नंबर 3 बन जाएगा आपका कि जैसे मान लीजिए कि थीटा का मान अब कोई भी हो जाएगा, 60 और 90 नहीं होगा, कोई भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री ही बन गया। तो दोस्तों जब यहां पर आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा तो देखिए वहां पर क्या होगा कि जो त्रिभुज यहां पर बनेगा ये मान लीजिए कि आपका 120 डिग्री ही बन गया। तो देखिए इसमें सूत्र क्या होता है दोस्तों इसके लिए कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, दोस्तों यही इसका सूत्र हो जाएगा। तो जब ऐसा स्थिति रहेगा देखिए तो अब यहां आपका हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहां पर 120 डिग्री का कोण बन गया तो अब आपका देखिए क्या हो जाएगा यहां पर कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो दोस्तों इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में आपका 3 केस को बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन कौन सा, एक 60 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री वाला, और एक याद करना है 60-90 को छुड़ाकर कोई दूसरा अगर एंगल का कोण बनने लगा तब। दोस्तों तो इसी माध्यम से हम देखिए आपको इस चैप्टर यानी कि 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, जिसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर के ही बैठिए। तो देखिए अब हम चलते हैं यहां पर देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी दिखाई देगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। दोस्तों जैसे अभी हम आप लोग को जस्ट इसके पहले ही बताए थे कि मात्र उस साइड में हम लोग को 3 मतलब कि 60 डिग्री 90 डिग्री और ये दोनों से अधिक में 100 डिग्री 120 डिग्री 140 डिग्री 150 डिग्री ऐसे 3 कोण का मान को बहुत ध्यान से रखना है हमेशा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फिर से हम रिपीट ही कर देंगे। तो आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि देखिए दोस्तों यहाँ पर एक त्रिज्या खंड है, एक पहले वृत्त है, उस वृत्त में जो त्रिज्या है यही केंद्र हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर ये कोण बन रहा है तो ये कोण आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल रहा है मतलब ओ ए बी सी मतलब ये पूरा को दोस्तों देखिए ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, यही पूरा का क्षेत्रफल क्या करना है निकालना है। तो दोस्तों देखिए पहले हम लिखेंगे कि त्रिज्या खंड के अंतःकोण बराबर
60 डिग्री तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसलिए दोस्तों लिखेंगे कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। तो दोस्तों अभी आपको बताएं हम, या एक बार फिर भी रिपीट कर रहे हैं हम, या जितने बार क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन मतलब सूत्र का तो रिपीट करेंगे ही, बट आपका भी ये बनता है कि सूत्र को रिपीट करिए और जल्दी से याद कर लीजिए। तो देखिए सूत्र होता है कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों देखिए आपका इस चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग में बोला गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान 22/7 ही रखिए, 3.14 मत रखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थीटा का तो मान हो गया आपका 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 360। पाई का मान कितना हो गया, तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान है 6, तो 6×6 हो जाएगा। दोस्तों देखिए जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 6 बार में कट जाएगा और यहाँ से 1×6 से 1×6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आपका कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया कि 22×6 और बाटा में बच गया 7। इसका मतलब कि 6×2 = 12 और 6×2 = 12 = 13, माने 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, तो इसका आंसर हो गया जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का रहा। उसी प्रकार देखिए अब हम चलेंगे आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों आप लोग को बहुत आसानी करके आसान करके एक और टॉपिक को तोड़ तोड़ कर आप लोग को यहाँ पर सारा मैथ को सॉल्यूशन को बताया जाएगा 100%। हम लोग भी कोशिश ट्राई करते हैं कैसा कोई भी क्वेश्चन न फंसे जो जिससे बच्चा को डाउट वहां पर उत्पन्न हो जाए, क्योंकि जब बच्चा को डाउट उत्पन्न नहीं होगा तभी बच्चा को अच्छे से मैथ में समझ में आएगा, तभी अच्छा नंबर्स को ला पाएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो एक वृत्त है, इस वृत्त का चतुर्थांश का मतलब दोस्तों यही होता है, मतलब दोस्तों जब यदि हम यहां से इसको अब काट देंगे और इसको यहां से काट देंगे तो यही देखिए दोस्तों ये हमारा चतुर्थांश, मतलब कि चार भाग में से एक भाग को ही चतुर्थांश बोलते हैं। तो दोस्तों जब जहां पर चतुर्थांश आपका बन जाता है तो वहां पर जो कोण होता है वहां पर 90 डिग्री का बन जाता है। कितने डिग्री का बन जाता है, तो 90 डिग्री का बन जाता है। और देखिए तो बोला है कि जिसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कि वृत्त के चतुर्थांश यानी ये त्रिज्याखंड बन गया, त्रिज्याखंड के अंतः कोण बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इसको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमारा आर का मान यानी त्रिज्या पता नहीं है कि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, तो ये भी बहुत आसानी तरीके से करेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे हम कि दिया है कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए परिधि क्या होता है, 2πr और बराबर में दिया है 22, तो 2 और पाई का मान रख देंगे हम 22/7 और यहाँ पर कर देंगे r और यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। दोस्तों ये 7 भागा में 13 जाकर गुणा में आ जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 22×7 और बटा में 2×22। दोस्तों देखिए 22 से 22 जब कैंसिल हो जाएगा तो अब आपका बच गया r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों जो इसका त्रिज्या बन गया वो 7/2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो अब देखिए अब बोल रहे हैं कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे कि अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल तो कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त खंड में उस 90 डिग्री के मान को हम रख रहे थे,
यानी कि यहाँ पर यदि वृत्त खंड हो जाता दोस्तों, तो हम यही पर करते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसको बोलते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बोलते हैं। तो ये तो वृत्त खंड नहीं है, ये तो त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड में क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए थीटा का मान हो गया आपका 90 और यहाँ पर हो गया 360 और पाई का मान हो गया दोस्तों 22/7, क्योंकि इसमें भी नहीं बोला है जी। और देखिए आर का मान हो गया आपका 7/2, यानी कि 7/2 और 7/2। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तो 4 बार में आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 × 4 और 11 × 22। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये 7 से 1 7 भी कैंसिल हो गया, अब आपका बच गया कि 11 × 7 = 77 और बाटा में यहाँ पर बच गया कि 2 × 4 और 4 × 8 दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पर ये बच गया आपका, जब ये यहाँ पर बच गया तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको 77/8 को क्या करेंगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जब 77/8 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, या सॉल्व नहीं भी करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मेहनत से आप लोग को हम अच्छे से समझा रहे हैं उस मेहनत को आप समझिए और समझ करके अच्छा तरीका से इसको देखिए। देखिए दोस्तों अब आपका यहाँ पर 3 नंबर इस वीडियो में आपका लंबा वीडियो तो नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए अब हम कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि लंबा वीडियो देखने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा लेकिन वीडियो में अलग अलग होगा, वीडियो में दे दीजिएगा कि इस वीडियो में इतना से इतना क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए जो 3 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक घड़ी है और इस घड़ी की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, सॉरी त्रिज्या है, मतलब घड़ी की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो दोस्तों ये बताइए कि बोला है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए कि 5 मिनट में बोल रहे हैं, तो 5 मिनट बोले देखिए अगर 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बताइए कि 1 मिनट में कितना देर का बनेगा, तो 360 और बाटा में कर देंगे हम 60, इसलिए दोस्तों बोला है कि 5 मिनट में कितना का बनेगा। तो देखिए 360 और बटे में तो हो जाएगा 60 और गुणा में देखिए हम कितना कर लेंगे, तो यहाँ पर कर लेंगे 5। देखिए दोस्तों ये कट जाएगा आपका 6 बार में और 6 × 5 कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब आपका 30 डिग्री का कोण बने लगा। तो अब देखिए हम लिखेंगे कि घड़ी के सुई के त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या खंड नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि देखिए ये भी त्रिज्या खंड टाइप का ही हो गया। तो त्रिज्या खंड के अंतः कोण 30 डिग्री है। तो देखिए अब लिखेंगे कि अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्षेत्रफल ही बोला गया है, हाँ, तो घड़ी 5 मिनट में रचित, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर कि 5 मिनट में रचित घड़ी का क्षेत्रफल, या यहाँ पर देखिए बराबर में लिख देंगे, बराबर में 5 मिनट में रचित सुई द्वारा क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए या 5 मिनट में रचित सुई द्वारा क्षेत्रफल निकालिए, ये कहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि थीटा बटा 360 पाई
आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का मान हो गया आपका 30 और बॉटम हो जाएगा 360। पाई का मान देखिए दोस्तों नहीं बोला है रखने के लिए, तो पाई का मान भी यहाँ पर हम रख देंगे 22/7 और आर का मान हो जाएगा 14×14। देखिए ये तो आपका बढ़ती है 36 यानी कि 12 बार में कट गया, और यहाँ पर देखिए 7×14 और 6×12। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 3×6 तो 7×14। देखिए दोस्तों अब क्या बच गया कि 22×7 और बाटा में बच गया आपका 3 यानी कि 22×7 और बाटा में क्या हो गया 3। देखिए 7×14 और 7×14 एक 15/3 दोस्तों यही क्या हुआ आपका तो आंसर हो जाएगा यानी 154/3 सेंटीमीटर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस ये वीडियो अभी लंबी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को हम नेक्स्ट वीडियो में ही डाल रहे हैं। तो चलिए इसलिए कि आप लोगों को धन्यवाद।